सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया दीन आया 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 दीन आया आया आया। बस यही जज्बात है जिनसे दीन आने वाला है। हाँ हाँ, मौली खादिम की तकरीरों से नहीं आना, नहीं आना। हाँ, किसी और की किसी नहीं, यही आना है जो आपके जज्बात है, यही वो पूछते हैं, कहते हैं नौजवानों को क्या हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, हुजूर से प्यार करने लगे और हुजूर का इश्क चीज ही ऐसी है, जहाँ के मिल्लत रहा हयात इश्क और बर्दो साजे कायनात इश्क। इकबाल कहता है जो उम्मत दोबारा जिंदा होना चाहती है और पूरे कुफर को लिताड़ना चाहती है, पूरी दुनिया पर दीन को गालिब करना चाहती है, तो फिर एक ही कि आपने दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा कर। हो गई हो गई। आया आया दीन आया आया आया, जोर लाके लाके। आया आया दीन आया 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 दीन आया आया आया। अब ये नारा भी लोग कहेंगे सियासी है, इसलिए ऊंचा लगा है, ये बताना है दीन गाना सा। आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 ओ आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 ओ आया आया दीन आया आया आया। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। तवज्जो 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 तवज्जो। बस बस तवज्जो तवज्जो। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप एक हदीस पाक सुने, उसके बाद फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। तवज्जो तवज्जो। हजरत फिर ये ना फरमान ना कि भाई तू तकरीर ही कोई नहीं की थी। हाँ, हजरत ने मेरी अदम मौजूदगी मेरी जेल जो होने के बाद जिस तरह हमारा दारा दे फराइज सर अंजाम देते, ये आपका खासा है। हाँ जी हाँ जी। मैंने रात को इनको कहा, मैंने कहा हुक्म हो तो अभी आ जाऊँ आ जाऊँ। कहने लगे अपना घर है आ जाए, लेकिन सुबह आए सुबह आए अभी आ जाए। मैंने रात को कहा, मैंने कहा अगर कोई खतरा है तो मैं रात को ही आ जाऊं आ जाऊं। हाँ जी हाँ जी। जिन्हें कुर्बानियां दीतियां ना सी उन्हें नाला नाला, ते जेड़े बुजदिलियां दिखाईयां वो इत्थे भी जलील, कब्र च भी जलील, हशर च भी जलील। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन, और अशर तो दूर है ना, अभी दुनिया में भी पता चल रहा है। जिन लोगों ने बहुत दिलियां दिखाई उनकी गुफ्तगू ही कोई नहीं सुनता, और कहते छड़ है परे ये नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। कोई नहीं सुनता, हकीकत है इनकी कोई नहीं सुनता। तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें। अच्छा जी अच्छा जी, आप बताएं तवील हदीस सुनाऊं या मुख्तसर। फिर बैठे फिर पूरी तवज्जो करें जो करें, फिर अपने तसव्वुर में लाएं हमारे आका और मौला का चेहरा अनवर कैसे था, रसूलुल्लाह की मुबारक आंखें कैसी थी, हुजूर की मुबारक पलकें कैसी थी, हुजूर के मुबारक अबरू कैसे थे, रसूलुल्लाह के मुबारक बाल कैसे थे, हुजूर के मुबारक दंदान कैसे थे, हुजूर के मुबारक लबहाए मुबारक कैसे थे, मेरे आका और मौला के बाजू मुबारक कैसे थे, रसूलुल्लाह की हथेलियां कैसे थी, हुजूर की कलाइयां कैसे थी, रसूलुल्लाह के पांव मुबारक कैसे थे, रसूलुल्लाह के पांव के नीचे वाला ऐसा कैसे था, ऊपर वाला ऐसा कैसे था, जब रसूलुल्लाह चलते तो जमीन सिमट कर आती, आगे आती हुजूर यहां पांव रखे, हुजूर यहां पांव रखे। इमाम हसन क्या फरमाते हैं, मेरे नाना जान का हुलिया मुबारक कैसा था, सुना दो। मौली खादिम गालियां नहीं देता, अगर किसी में दम खम है तो इस तरह हदीस पढ़कर सुना। क्यों जी पीड़ा और फकियां और नहीं नहीं लबैक या रसूल अल्लाह के। हां हां, तवज्जो 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 तवज्जो। कोई शेर शूर नहीं, मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह, ये मेरा तारुफ है। और क्यामत वाले दिन हुजूर मुझे इस नाम से पुकारे तो बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा, कि उस कुत्ते को बुलाओ जो व्हील चेयर पर भी बैठकर जेल में यही नारा लगाता था, और मोहताजी के बावजूद भी जेल में बैठा रहा मेरे नाम पर। हाँ, वो हुजूर, ये हमें इससे बढ़कर क्या इजाज़ है, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, मैं भौंक शोर मचावे। क्यों जी पैसे चाहिए, वो तो समझ ही नहीं आ सके किसी को, वो तो पूछते हैं कहते बताओ कौन देता है, मैं कहो जलिया। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं अब तो ना रो कह गनी कि आदत सग पे बढ़ गई। आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अब इस कुत्ते को ना रोके, आदत बिगड़ गई, पहले ही मेरे करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों या रसूलल्लाह, पहले तो सा चौपड़ी हुई रोटी पराठे खवाए, हुण सुखी रोटी पांदे हो नहीं, इस कुत्ते की आदत बिगड़ गई।
तो हमें तो मालिकों ने दिया ही इतना कि हमारी आदत इतनी बिगड़ी कि दुनिया परेशान है, पैसे कौन दे। अनिल हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قال سالت خالي هند ابن ابي علا وكان وصافا عن حليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي من شيء نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالا وجه تلال القمر ليله البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقيقه فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنيه المتجرد موصول ما بين اللبته والسره بشار يجري كالخط ياري الصد ين والبطن مما سوى ذلك اشار الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحه شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشيه اذا مشى انما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظري الى السماء جل نظر الملاحظه يسوق اصحابه يبدا من لقى السلام الطيف سرى من طلعته وشذب بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته لنا دي فوجا جت جڑیا دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میاں دے تیر چھڈن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ تے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے تسی